मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं भारत मुक्ति मोर्चा एक संगठन है उसका कार्यकर्ता हूं। पिछले 17 साल से समाज में काम कर रहा हूं। भारत में वर्तमान में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो राजनीति किसी भी हालत से भारत के मूल निवासी बहुजनों के हित की नहीं है, जिसमें हर रोज हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, दलित मुस्लिम ऐसे एपिसोड चलाकर देश की राजनीति को एकदम गंदा कर दिया गया है। हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के वंशज हैं, उनको मानने वाले हैं, महापुरुषों की विचारधारा से सहमत रहने वाले लोग हैं। तो मैं समय सिंह सलंबा एक छोटे से गांव से निकल कर आया हूँ, और जो ये लोकसभा का चुनाव जो 3 जिलों में होने जा रहा है, इसमें इतना बड़ा कदम मेरे खुद के द्वारा नहीं उठाया गया है। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 24 मार्च 2024 को नूह के जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, उसमें 319 गांव के लोगों की, SCBC के लोगों की पंचायतें हुई, क्योंकि उस पंचायत में मुस्लिम साथियों ने कम तादाद में शिरकत की थी क्योंकि रमजान चल रहे थे। लेकिन 319 गांव के जो SCBC के लोग पहुंचे नूह के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, उन्होंने 4 घंटे के चिंतन और मनन के बाद इस बात का निर्णय लिया कि इस बार हम SC के कैंडिडेट को इस गुड़गांव लोकसभा पर अपना नुमाइंदा नियुक्त करेंगे, चुनाव में उतारेंगे। आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। सांसद राव इंद्रजीत साहब आपके सामने मैदान में है और 400 पार का नारा लगातार भाजपा कार्यकर्ता दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 400 पार का नारा ही नहीं दे रहे हैं वो लोग स्पष्ट बोल रहे हैं कि हम इस बार भारत का संविधान बदलेंगे। यानी वो भारत के संविधान बदलने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए हम मैदान में आए हैं। ये 400 पार का नारा नहीं है और कोई चुनौती नहीं है हमारे लिए। आप गुड़गांव लोकसभा के वासी अगर ध्यान दें, एक चीज को समझें, तो आपको मालूम होगा कि गुरुग्राम लोकसभा में 19.7% यानी सबसे ज्यादा जो तादाद है वोटर्स की वो मुस्लिम वोटर्स की है। दूसरे नंबर पर हम यानी दलित लोग आते हैं, SC कम्युनिटी के लोग आते हैं। अगर हम ही लोग गठजोड़ कर लें तो जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं जिनको आज तक कोई संवैधानिक फायदा नहीं मिल पाया है, वो हमारे खून के भाई हैं, वो भी हमारे इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। यानी इस लोकसभा में लगभग 16 लाख वोटों के हम मालिक हैं, और 16 लाख वोटों के मालिक होने के बावजूद हमारा कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं है, इसलिए ही हम गुड़गांव लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी छोटा सवाल बाकी साथी भी है। मेरा सवाल आपसे ये है जनाब, 400 पार का नारा, 75 पार का नारा, ये कैसे इस तरह का नारा दे देते हैं? क्या सपना आता है लोगों को, ये सोना आता है? देखिए, सपना नहीं आता है, षड्यंत्र की बू आती है। ये देश में लोकतांत्रिक तरीके से देश को नहीं चलाना चाहते हैं। ये लोग देश में डर का माहौल, खौफ का माहौल पैदा करके देश को चलाना चाहते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती कि एक सांसद अपने चुनाव प्रचार में खुलेआम ये कह रहा है कि हम देश के संविधान को बदलेंगे। यानी लोकतांत्रिक देश में अगर संविधान बदलने की बात चल रही है तो चुनाव आयोग ने अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया, और उस सांसद का जो चुनाव भी जो टिकट है, जो पत्र है, वो अब तक निरस्त कर देना चाहिए था। आप इसे समझ सकते हैं कि उनके मंसूबे क्या हैं। यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की पेटीएम फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं।